There is a time to bid goodbye to the old and the ordinary, and to awaken the beauty within. That time is now. It is time to wake up and take charge of life. Awaken to a new way of thinking. Awakening with Brahmakumaris. ओम शांति। हम सब ने परमात्मा को कई नामों से, कई रूपों में पुकारा, अपनी प्रार्थनाओं में उसका शुक्रिया किया, उससे मदद मांगी, उससे माफी भी मांगी, हर रोज उससे बातें की, लेकिन क्या कभी हमने उसकी बात सुनी? वो परमात्मा जिसे हम सब ढूंढ रहे थे, वो अब हमारी इस दुनिया में आ चुके हैं। आइए सुनते हैं वो क्या कहते हैं। तुम मुझे कई नामों से पुकारते हो, गॉड, परमात्मा, अल्लाह। मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं एक ज्योति हूं, मेरा धाम शांति धाम है, जहां सर्वत्र शांति ही शांति है। मैं अवतरित हुआ हूं इस पुरानी कलयुगी दुनिया को परिवर्तन कर नई सतयुगी दुनिया की पुनर्स्थापना के लिए। मीठे बच्चों, अपने को पहचानो और मुझे याद करो, तो तुम जन्म जन्मांतर के लिए सुख, शांति और पवित्रता से संपन्न हो जाओगे। आत्मा, परमात्मा और समय की सत्य पहचान जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क करें। ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव थिंकिंग की। अभी तक हम सुनते आ रहे थे, पढ़ते आ रहे थे, लेकिन जीवन में कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कोशिश मुझे लगती थी कि कर सकती हूँ, और एक थॉट ही तो बदलना है। हर चीज़ को अगर पॉजिटिवली ले लें तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी और पॉजिटिव थिंकिंग में कर पाऊँगी। लेकिन जब इम्प्लीमेंट किया तो समझ में आया कि नहीं, उसके पहले ज़रूरी ये है कि जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास जा रही है, हर रोज़ की जो जानकारी मेरे पास आती है, मेरे जो आसपास का माहौल है जो मुझे इन्फ्लुएंस करता है, वो पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। और उसमें कैसे फिल्टर करना है वो मेरे हाथ में है। सिचुएशंस, इन्फ्लुएंसेस, लोगों को नहीं बदला जा सकता, लेकिन जो जानकारी मैं लेना चाहती हूँ वो मेरे हाथ में है। आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि और कौन से स्टेप्स होंगे कि मैं पॉजिटिव थिंकिंग को इनकॉर्पोरेट कर पाऊँ या अपने थिंकिंग प्रोसेस को पॉजिटिव कर पाऊँ। और हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, पिछली कड़ी में अगर हम देखें तो एक होमवर्क हमारे साथ था कि किस तरह से जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास जा रही है वो मुझे गवर्न कर रही होती है। और मैं हमने ये समझा था कि हर थॉट, मेरी सोच जो है वो पूरे के पूरे डिपेंडेंट हो जाती है जिस तरह की जानकारी जा रही है। अभी क्या होता है, सुबह उठे नहीं कि यू नो माय फर्स्ट अब्सॉर्प्शन जो होती है, जो ब्लॉटिंग पेपर एकदम क्लीन है उस पे फर्स्ट चीज जो अब्सॉर्ब करते हैं दैट इज द फर्स्ट पेज। मतलब मेजॉरिटी के तो हम देखते हैं बेड में ही न्यूज़पेपर आता है, तो फर्स्ट पेज एक क्लीन माइंड के ऊपर क्या छाप दिया सुबह सुबह। फिर अब उसके बाद बोलो पॉजिटिव थिंकिंग, then we are looking for something very difficult. फिर आपको मेहनत ज़्यादा, result कम, क्योंकि आपने foundation तो negative information का create किया है, लेकिन अब आप सारा दिन मेहनत ये करने वाले हैं कि positive thought create करनी है, तो आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक कुछ step नहीं लिया जाएगा, let us not expect miracle. और इसीलिए हो रहा है कि इतना सोचने के बाद भी, समझने के बाद भी रिजल्ट क्यों नहीं निकल रही है, क्योंकि उस पर जो थोड़ा सा परिवर्तन, और हमने बहुत भाई बहनों से मिले हैं जिन्होंने सिर्फ ये किया है अभी, और ज़्यादा तो किया ही नहीं है कुछ, उसके बाद कुछ नहीं किया है मेहनत, उसके बाद सिर्फ इतना किया कि सुबह सुबह अखबार पढ़ना बंद कर दिया, दे आर फाइंडिंग अ चेंज। इन फैक्ट नो, आई विल टेल यू, बिकॉज मैंने भी जब शुरू में किया, आप बहुत लाइट रहते हैं। अगर हर एक अपने आप को सिर्फ अपने जीवन को रिवाइंड करे थोड़ा सा, लास्ट कब बैठकर एफर्ट करके
पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन भरी थी अपने अंदर, व्हेन वाज दैट द लास्ट टाइम, तो हमें याद नहीं आएगा. तो जो चीज़ भरी नहीं वो क्रिएट कहाँ से होगी. फॉर एग्जाम्पल आज मेरे घर पे कोई लेट आए शाम को, तो एक्सीडेंट ना हो गया हो, ये ना हो गया हो, ये जो नेगेटिव नेचुरल हम कहेंगे नेचुरल आ जाता है, ये नेचुरल इसलिए आता है क्योंकि सुबह मैंने वही भरा था. आप थोड़े 2 महीने के लिए सुबह वो भरना बंद करें और सुबह सुबह ये भरें जो परमात्मा के महावाक्य हैं कि आपके साथ जो हो रहा है अच्छा, आप कल्याणकारी बाप के कल्याणकारी बच्चे हैं, आपके साथ क्या गलत होगा. अब रात को देखो अगर कोई लेट आता है तो यू डोंट हैव टू मेक एफर्ट दैट टाइम. अभी तो पॉजिटिव उस टाइम बोलेंगे, उस टाइम तो याद नहीं रहेगा कि पॉजिटिव सोचना है, उस टाइम तो वो पूरा एपिसोड खत्म हो जाएगा, यू नो ड्रेनिंग योर सेल्फ आउट. तो ये उस टाइम नहीं एफर्ट हो सकता कि हाँ नाउ समवन हैज कम लेट नाउ और हैज नॉट रीच्ड नाउ आई हैव टू थिंक पॉजिटिव. ये तो ऐसा तो होने नहीं वाला है बिकॉज अगेन थिंकिंग हैज बिकम वेरी ऑटोमेटिक. लेकिन हमें इसलिए सिक्योर रहेंगे क्योंकि हमें पता है भरा ही क्या था और ये प्रैक्टिकल में आपको रिजल्ट दिखाई देने लगेगा. सेकेंड चीज जो हमें प्रैक्टिस करनी होगी, ये भी ऑटोमेटिकली नहीं होगी, वो है साक्षी दृष्टा या डिटैच्ड ऑब्जर्वेशन. अगेन detached word sunte hi it will see your face only how it has become because it becomes like you know it is a feeling. Lot of people say ki detachment kehte ho to aisa lagta hai ki cold, there is a coldness which sets in, matlab aisa lagta hai ki bilkul har cheez se hum pare ho gaye. To wo usse dar lagta hai logon ko, logon ko lagta hai ki hum dur ho jayenge apno se, hum apno se pyar hi nahi kar payenge aur koi mujse detached ho gaya to wo mujse dur chala jayega. डिटैचमेंट को तो हम समझेंगे ही वो क्या है, लेकिन फर्स्ट वे सेइंग डिटैचमेंट मीन्स डिटैच्ड ऑब्जर्वर, कि एक परिस्थिति को एक साक्षी दृष्टा होकर देखने से मुझे क्या प्राप्ति होने वाली है. व्हाई डू आई नीड टू सी इट, बिकॉज वी हैव अंडरस्टूड द वन थिंग ओवर लास्ट फ्यू डेज कि सिचुएशन मेरे कंट्रोल में नहीं है, नाउ आई एम मैनेजिंग माई सेल्फ. तो उस पर तो हम आ गए, लेकिन सेल्फ को मैनेज करने के लिए मुझे उससे एक स्टेप पीछे होकर उस परिस्थिति को देखना पड़ेगा ताकि परिस्थिति मेरे ऊपर हावी ना हो जाए. डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि मैं लोगों से दूर हो जाती हूँ. डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, किसी को बीमार होना है होए, किसी को दर्द हो रहा हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. दैट्स नॉट डिटैचमेंट. डिटैचमेंट इज नॉट कोल्डनेस लाइक यू से, इट्स नॉट हार्डनेस ऑल्सो. कई लोग समझते हैं बहुत हार्ड हो जाते हैं, बहुत कड़क हो गए हैं, दैट इज इनसेंसिटिव. वो इनसेंसिटिव है. उल्टा जो डिटैच्ड होगा, सही मायने में डिटैच्ड होगा, वो तो और भी कंसर्न्ड होगा. क्योंकि डिटैच्ड अगर हम होंगे तो मैं दर्द में नहीं गई, और अगर मैं दर्द में नहीं गई तो मैं आपके लिए तो और भी कर सकूँगी. आपके लिए जो कंसर्न है, आपको अगर मदद करनी है तो मैं और भी ज़्यादा कर सकूँगी. बट माई सेइंग कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट्स नॉट डिटैचमेंट, दैट इज इनसेंसिटिव, दैट इज अनकंसर्न्ड, नॉट बॉदर्ड अबाउट पीपल. दैट्स नॉट अ पॉजिटिव, नॉट अ वेरी हेल्दी थिंग फॉर रिलेशनशिप्स. डिटैचमेंट मतलब एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए पॉज एंड स्टेप बैक, ताकि जो हमारा रिस्पॉन्स होगा वो जिसको कहते हैं ना सोच समझ कर फिर बोलना या सोच समझ कर करना, दैट इज डिटैचमेंट. कि टेक दैट वन मोमेंट टू पॉज, ताकि जो हमारा रिस्पॉन्स होगा वो एक मेजर्ड रिस्पॉन्स होगा, मतलब एक नपातुला होगा. मेजर नपातुला, यस राइट, मतलब एक आई नो व्हाट आई एम रिस्पॉन्डिंग. बट अगर डिटैच नहीं होते तो इट इज अ रिएक्शन और वो फैलता है. फिर वो दैट इज मेरा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो हैबिचुअल रिएक्शन हो गया ना, वो मेरा रिएक्शन हो जाता है. डिटैचमेंट मतलब रिस्पॉन्ड करना. और पहले हम क्या करते थे, हम दूसरे के, जैसे सपोज अगर आप मुझे कुछ सुना रहे हैं अपने बारे में, आपकी लाइफ में ये हुआ या ये है ये है, इंस्टेड ऑफ सीइंग इट एज अ डिटैच्ड ऑब्जर्वर एंड देन अंडरस्टैंडिंग इट, आई वुड गेट सक्ड इनटू इट. एंड तो क्या होता था कि अगर आप दर्द में हैं तो आप रो रहे हैं अंदर से या बाहर से जो भी, एंड वेरी सून यू विल फाइंड कि मैं भी आपके साथ रो रही हूँ, क्योंकि आप उसके साथ ही मर्ज हो गए ना, मैं उसमें. यू गेट सक्ड इनटू द इमोशंस ऑफ समबडी एल्स. तो डिटैचमेंट इज जस्ट दैट वन मोमेंट, एक मोमेंट उस तरफ से. जैसे कि सपोज अगर हम स्टेज पर हैं तो हम पूरे प्ले को उतनी ठीक से नहीं देख सकते, लेकिन जो ऑडियंस है वो ऑडियंस उस प्ले को बहुत अच्छी तरह से देख सकती है. तो जब मैं परिस्थिति में हूँ
तो मुझे परिस्थिति राइट पर्सपेक्टिव में नहीं समझ में आती, क्योंकि मैं परिस्थिति को सिर्फ अपनी साइड से देख रही हूँ. मैं आपकी साइड से या किसी और साइड से तो उसको देख ही नहीं पाती, बिकॉज आई एम स्टक टू माई पोजिशन. पोजिशन कुड बी माई आइडिया. सपोज मैं राइट हूँ, आप रॉन्ग हैं. दिस इज अटैचमेंट टू माई आइडिया ऑफ बींग राइट. तो मैं अपने राइट के आइडिया से इतनी अटैच्ड हूँ कि आपका आइडिया तो देखने का मेरे पास कोई मार्जिन ही नहीं है. सो अनलेस आई सेपरेट माई सेल्फ फ्रॉम माई अटैचमेंट ऑफ अ राइट आइडिया, हाउ विल आई बी एबल टू अंडरस्टैंड यू? एंड जब तक मैं आपको अंडरस्टैंड नहीं किया, तो जो परिस्थिति है वो राइट पर्सपेक्टिव में मुझे कहाँ दिखाई देगी? इट्स नॉट पॉसिबल. तो डिटैचमेंट मतलब स्टेज से हटकर एक मिनट ऑडियंस की तरफ से देखें. लोगों का एक और इस पे आता है कि हम कब तक करते रहे. हाँ, वो तो जब तक आप अपने आप को मैनेज करना चाहते हैं. सी, वन थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड, हम कुछ भी किसी और के लिए नहीं कर रहे. हम ये समझते हैं कि आपने गुस्सा किया और मैं चुप रही, ये आपके लिए किया, आपके लिए नहीं किया. हम ये प्रॉब्लम इसलिए होने लगती है, मैंने सहन किया, आपके लिए किया. ना ना, किसी और के लिए तो कुछ करने की भी जरूरत नहीं है. इट इज ओनली टू बी डन फॉर माई सेल्फ. हाँ, उसका बेनिफिट ऑटोमेटिकली औरों को होता जाएगा, लेकिन हम जो भी करते हैं हम अपने लिए कर रहे हैं. एंड ये हर एक कर रहा है, विद द ज्ञान और विदाउट द ज्ञान. दैट इज डेफिनेटली, भले हमें ऊपर ऊपर से पता नहीं चलेगा बिकॉज इट इज हैपनिंग सो फास्ट, लेकिन हम जो भी कर रहे हैं. आज अगर मैं गुस्सा भी कर रही हूँ तो किसके लिए कर रही हूँ? हमें लगता है वो मैं आपके फायदे के लिए कर रही हूँ, आपको सुधारने के लिए कर रही हूँ. नहीं नहीं, उसके लिए गुस्सा करने की जरूरत नहीं है. गुस्सा मैं इसलिए कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपने कुछ ऐसा कर दिया है जो मेरे attached ideas of right mein nahi fit hota hai, and that is why I am reacting. It is because I am hurt, so I have reacted. It's nothing to do with you. लेकिन मैं अपने जीवन में कॉम्प्रोमाइज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करे जा रहा हूँ. अपने जॉब में मुझे कंटिन्यू करना है क्योंकि मेरा परिवार कैसे चलेगा, या मैं एक रिश्ते में जिसमें हूँ तो उसमें बच्चा. बहुत सी आज कॉम्प्रोमाइज़ कहाँ हो रहा है? स्टेबल रहकर वी आर टॉकिंग कॉम्प्रोमाइज. हम कॉम्प्रोमाइज बाहर तो कर लेते हैं, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? सर, अंदर. तो वी आर टॉकिंग कि सिचुएशन कोई भी होगी, क्या हम अपने आप को सिचुएशन में स्टेबल रख सकते हैं, और उसके लिए मुझे क्या करना है? एंड उसमें ये जो अगर हम प्रैक्टिस करें, दिस विल अगेन नॉट हैपन ऑटोमेटिकली. कि सिचुएशन है आपके सामने, अभी आज आप अपनी सारी 1, 2, 3 सिचुएशंस लिख लीजिए, जो जो आपकी परिस्थितियाँ हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में ब्रेकडाउन है, चाहे वो जॉब की जो प्रॉब्लम है. अब इसको अपनी जगह से हटकर इस पोजीशन को देखने की कोशिश करें, और कोशिश करें दूसरे के दृष्टिकोण से देखने के लिए, बिकॉज व्हाट यू आर सेइंग एंड व्हाट यू आर थिंकिंग इज आल्सो राइट, बट इट्स ओनली राइट फ्रॉम द अदर साइड. And so difficult. It's not right from my side. लेकिन it is so difficult. Another thing जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि बार बार हम ये कह तो रहे हैं कि अंदर से करें, लेकिन सचिवानी आज ऊपर से ही मेंटेन कर पाना इतना मुश्किल हो जाता है, खासकर जब रिश्तों की बात घर में. ऊपर से मेंटेन करना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि हम ऊपर से मेंटेन कर रहे हैं, अंदर से कर ही नहीं रहे. दैट इज व्हाई वी आर सेइंग अगेन एंड अगेन, अंदर तो फाउंडेशन पूरा गड़बड़ हो गया, ऊपर आप बिल्डिंग खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं अपने ऊपर, तो वो हर थोड़े दिन के बाद वो आपकी बिल्डिंग क्रैश हो जाती है. और हम कहते हैं हम तो कितनी मेहनत कर रहे हैं, आवर रिलेशनशिप्स, वी आर ट्राइंग टू बिल्ड आवर रिलेशनशिप्स, व्हाट्स द फाउंडेशन? तो फाउंडेशन पर क्योंकि टाइम नहीं है, या इंक्लिनेशन नहीं है, या पता ही नहीं है कैसे करना है फाउंडेशन पर, तो सारी मेहनत हो रही है उस स्ट्रक्चर को खड़ा करने में. आई वॉन्ट टू बिल्ड माई रिलेशनशिप, एंड एवरी फ्यू डेज दैट स्ट्रक्चर जस्ट फॉल्स. ऑफ कोर्स दैट स्ट्रक्चर जस्ट फॉल्स, देन अगेन आई स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, बट आई एम जस्ट नॉट वर्किंग ऑन द फाउंडेशन. Just not working. Is it possible for one day? और उसके लिए सिर्फ क्या करना पड़ेगा, थोड़ा स्लो डाउन करना पड़ता है थॉट प्रोसेस को, कि जैसे ही कोई परिस्थिति में हम आते हैं, और ये तब हो पाएगा अगर हमने मॉर्निंग के टाइम पर वो थोड़ा सा साइलेंस एक्सपेरिमेंट किया होगा. अगर हम एक सिचुएशन ऐसी लें कि हस्बैंड आते ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, मतलब बहुत घरों में ये होता है कि, और सेम सिचुएशन ही हो जाती है, उसी सिचुएशन पे बार बार लड़ाई होती जाती है, और दोनों में से कोई भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होता कि वो गलत है या वो. वैसे ही बॉस और सबॉर्डिनेट का भी सिचुएशंस अगर देखें तो मैक्सिमम टाइम वही होती है. उसकी आदत हमारे, हमें सबकॉन्शियस में जो भी है वो ऐसी हो चुकी होती है कि
जैसे ही वो सिचुएशन आई मेरा रिएक्शन वही हो रहा होता है। आपने अभी कहा कि हम वो कोशिश कर रहे होते हैं ढूंढने की कि वो गलत है या वो गलत है, बट एक्चुअली दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। कौन गलत है दोनों में से? Which one of the two is ever wrong? Have you been able to find out? अगर आप logically decide करने की कोशिश करेंगे तो आपका answer हमेशा एक ही होगा कि मैं right हूँ, आप गलत हैं। इसीलिए तो हम, मैं जो कह रही हूँ वो तो right ही, मैं wrong थोड़ी बोलूँगी। That is the same way I will have to understand कि सोच समझ कर अपने दृष्टिकोण से मैं जो भी कर रही हूँ, जो भी बोल रही हूँ, वो मेरे हिसाब से उस समय वो right है। And same goes for you. I may look at it and say it's wrong, but for you, it's right. लेकिन मैं तो सोच समझ के बोल रही हूँ, वो तो सोच समझ के बोल ही नहीं रहे। ये किसने बताया? यही तो हम कहते हैं हर बार। आपने कभी खुद ये गलत है ये सोचकर ऐसा किया? This is wrong. Now come, let me do it. ऐसा आपने कभी? Even if let's say I'm going to tell a lie, yeah, I am going to give a bribe, or I'm going to take a bribe, or whatever, anything. But this is a need of the hour. Whatever. तो सारी logic है ना उसके पीछे कि ये नहीं देंगे तो काम नहीं होगा, फिर वो government office में मेरा काम रुक जाएगा, तो logic तो दे देंगे ना उसको अपने आप को। और जैसे ही logic दिया, मतलब क्या कहने की कोशिश की? It's justified. It's okay. तो it's right. मेरे लिए वो right है, भले even the law of the country says that it's wrong, but मेरे लिए उस समय वो राइट है। हमें कई अपने कर्म थोड़ी देर के बाद लग सकता है कि ये गलत थे, लेकिन जिस क्षण हम वो कर रहे होते हैं या बोल रहे होते हैं, उस क्षण हमें वो राइट ही लगते हैं। कभी भी सोच समझ के कोई गलत नहीं करेगा, उसके पीछे उसके पास लॉजिक होगा कुछ ना कुछ करने के लिए। लेकिन बट द सेम अप्लाइज टू एवरीवन एल्स। एंड जिस समय, लेकिन आपका राइट देखने के लिए मुझे इस कुर्सी से उठकर उस कुर्सी पर आना पड़ता है कि आपको क्या दिखाई दे रहा है जो मुझे नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन वो देखने के लिए मुझे अपनी सिचुएशन से, अपनी साइड से, अपने आइडिया से डिटैच होना पड़ेगा। तो डिटैचमेंट डजंट मीन यू नो कट ऑफ या बीइंग इनसेंसिटिव, इट मीन्स बीइंग एब्सोल्युटली देयर, लेकिन डिटैच्ड मतलब उस सिचुएशन के प्रभाव से डिटैच्ड, जो हमने कहा सिचुएशन से नहीं डिटैच्ड, सिचुएशन से नहीं डिटैच्ड। कुछ लोग क्या होते हैं, सिचुएशन से विड्रॉ कर जाएंगे, चलो ये मेरे से नहीं हो रहा फॉर फेस, लेकिन सिचुएशन के प्रभाव से डिटैच्ड। और डिटैच्ड मतलब स्टेबल, सिचुएशन के प्रभाव में आ गए, जो वो हमने कहा नदी फिर, तो फिर कभी दर्द भी होगा, कभी कुछ होगा, लेकिन सिचुएशन के प्रभाव से डिटैच्ड मतलब पेनलेस एग्जिस्टेंस। नाउ इफ आई वॉन्ट टू लिव अ पेन फ्री लाइफ, दैट्स माई चॉइस, इट्स नॉट कोल्डनेस। और जितना पेन फ्री मैं हूँ, दर्द के बिना हूँ, उतना मेरा औरों के साथ रिलेशनशिप बेटर हो जाएगा। तो कई लोगों को लगता है डिटैचमेंट मतलब फिर ये तो परिवार में डजंट वर्क, बट एक्चुअली वो रिश्ते और भी स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। से समथिंग टू मी राइट नाउ विच इज लाइक वेरी इंसल्टिंग, इफ आई एम वेरी अटैच्ड, मेरे को कह दिया ऐसा, आई विल गो इनटू सो मच पेन, उसके बाद मैं चार दिन आपसे चाहे बात ही ना करूं या जो भी करूं, लेकिन यू आर राइट व्हाटएवर यू आर सेइंग, बट आई स्टिल हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। तो मैं थोड़ी देर में आपसे फिर से बात करना शुरू कर दूंगी, लेकिन दर्द में गई, फिर उस प्रोसेस से गुजरी, फिर अपने आप को ठीक किया, कितना टाइम बीता। लेकिन वो इतनी जल्दी मैं आपसे बात करना शुरू कर पाऊंगी, वो तो कितना टाइम लेके आता है, कितना टाइम हम लगाते हैं टू गेट ओवर दैट whatever, because create भी हमने किया, अब उसको get over भी हमने ही करना है। How much time? That depends on, again me, not on you, not on you. तो जितना जल्दी I will be able to get detached from my idea of what is, this is mine, this is what I think is right, I'll be able to see your perspective. और इस तरह अगर हम सारा दिन में प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा माइंड है ना हल्का रहता है, नहीं तो सबकी बहुत सारी क्लटर जो है वो सारा दिन यहाँ चलती रहती है, एक इंटरनल चैटर जो है ना वो सारा दिन यहाँ चलती रहती है। और फिर साइलेंस प्रैक्टिस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि सारा दिन अगर बहुत सीन्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंटेंगल्ड हो जाते हैं, तो अगर मॉर्निंग में साइलेंस में बैठने की भी कोशिश करेंगे अपने आप को देखने की, लेकिन वो सारा दिन जो नॉइज क्रिएट की थी वो ही वापस रिप्ले होने लगती है। तो साइलेंस सिर्फ मॉर्निंग में नहीं, वॉचिंग योर थॉट्स सिर्फ मॉर्निंग में नहीं, लेकिन सारा दिन, सारा दिन कि इस परिस्थिति को साक्षी होकर जिसको देखना, एंड साक्षी मीन स्टेबल स्थिति में। तो लेकिन क्योंकि हमारी स्थिति अभी स्टेबल नहीं है, सो वी आर गोइंग द अदर वे अराउंड,
कि लेट मी फर्स्ट लुक एट द सिचुएशन. अब उस समय ये नहीं कर पाएंगे, हो सकता है कि जैसे ही सिचुएशन आए, अभी हमें प्रैक्टिस नहीं है तो हम कर नहीं सकते. हम ये कर सकते हैं जो सिचुएशन गुजर गई है, लेट्स से उसको एनालाइज कर लें, उसको एनालाइज कर लें ताकि वो मेरा लर्निंग, नॉट उसके दर्द में चले जाए हम. दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. वो तो हम जाते ही हैं, वो तो चलते ही रहता है हमारे साथ. कुछ हमारे साथ हो गया, किसी ने कल कुछ कह दिया या कुछ ऐसा हो गया, वो दर्द तो कंटिन्यूस प्रोसेस हम अपने साथ रखते हैं. फिर वो डिटैचमेंट नहीं प्रैक्टिस हो पाएगा, क्योंकि डिटैचमेंट मतलब दर्द नहीं. लेकिन अगर हमें पास्ट के सिचुएशन से कुछ सीखना है तो हम एक पल के लिए उस सिचुएशन को वैसे का वैसे सामने लाएं, लेकिन एक थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करें, अगेन ऑडियंस में बैठकर, कि वो सिचुएशन मुझे कैसी दिखाई देती है, ताकि उसमें आप सिर्फ, मैं अपना रोल नहीं लेकिन आपका रोल भी उतना ही इक्वली बैठकर देखूं, तो शायद मुझे उस सिचुएशन में क्लैरिटी और आती जाएगी. लेकिन सिर्फ अपने रोल पर देख रहे हो और आपके रोल को तो बिल्कुल दूसरी साइड से देख रहे हो कि ये तो है ही गलत सारा कुछ, देन आई एम नॉट एबल टू कम आउट ऑफ दैट पेन. एंड देन माई माइंड इज फिल्ड विद सो मच ऑफ बिटरनेस, सो मच ऑफ पेन द होल डे. फॉर क्लैरिटी और स्टेबिलिटी ये पॉसिबल और सेल्फ को लेके जो सेल्फ पिटी वाला एस्पेक्ट है, विक्टिमाइजेशन, मेरे साथ गलत हुआ. बट जब भी मैं एनालाइज करने लगती हूँ अपने साथ जो सिचुएशन हुई होती है, चलिए खुद अंदर भी एनालाइज कर रहे हैं, तो हर बार मुझे नजर आता है कि मेरे साथ गलत हुआ. मैक्सिमम लोग यही सोच पाते हैं कि मेरे साथ गलत हुआ. तो एक साक्षी भाव, यानी कि मैं अपने आप से भी परे हूँ. यस. और उससे भी परे हूँ. यस. और उसमें जो हम आगे देखेंगे कि सोल कॉन्शियसनेस, जब हम अपने आप को पहचान लेते हैं कि मैं कौन हूँ, तो वो है डिटैचमेंट, कि मैं कौन हूँ. ये सब तो मेरे रोल्स हैं, ये सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये सब मेरे रिलेशनशिप्स हैं, लेकिन मैं कौन हूँ जो ये रोल प्ले कर रही हूँ. वो मैं जब इस पूरे ड्रामा को देखेगा तो वो ड्रामा को उसके सही परिप्रेक्ष्य में देख पाएगा, नहीं तो इट गेट्स सक्ड इनटू द ड्रामा. You know, it just gets consumed by the whole scene and then it can't see the scene in its right perspective. इसको अगर हम सारा दिन में, मुझे अगर रोज की अपनी तैयारी करनी है तो इसकी प्रोग्रामिंग मुझे सुबह से शुरू करनी पड़ती है. तो इसको हम आज तो 2 मिनट के लिए अभ्यास भी करेंगे, लेकिन सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि कल एक दिन इसको प्रैक्टिस करेंगे 24 आवर्स. आज आप प्रोग्राम देख रहे हैं, कल जब आप फिर प्रोग्राम देखेंगे, आप तब तक अपनी चेकिंग करेंगे कि सिर्फ 24 आवर्स के लिए एक प्रैक्टिस करनी है, कि वो हर सीन जैसे जैसे गुजरता जा रहा है, हर डायलॉग इंटेंगलमेंट जैसे जैसे होती जा रही है, एक दिन के लिए थोड़ा सा स्लो डाउन करके उसको देखने की कोशिश करें, रादर देन गेटिंग कंज्यूम्ड इनटू द ड्रामा. इट विल नॉट हैपन ऑन द फर्स्ट डे इन अ वेरी इजी मैनर, बिकॉज हमें आदत पड़ी हुई है उस सीन के अंदर जाने की. तो डिटैच्ड होने के लिए शुरू में, क्योंकि हमें अभ्यास नहीं है, हमें उसी सीन के अंदर 2 मिनट साइलेंस कर लेना चाहिए. लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग, देयर इज लॉट ऑफ नॉइज, एवरीवन इज गोइंग इनटू केओस, क्या होगा, कैसा होगा. जस्ट 2 मिनट स्टेप बैक एंड ट्राई एंड लुक एट दिस सीन. आपको वो सीन बहुत बड़ा पता चलेगा कि इतना बड़ा है नहीं. जैसे ना कभी कंपनी में होता है प्रोजेक्ट नहीं हो रहा, ओ यू विल फाइंड दैट इट जस्ट गोज इनटू केओस, क्या किया तुमने, नहीं किया, ऐसा नहीं हो. स्टेप, स्टॉप बैक 1 मिनट. तो जैसे ही आप ये स्टेप बैक अगर कल प्रैक्टिस करेंगे, यू विल रियलाइज वेरी सून एक बहुत वंडरफुल चीज, और वो ये कि मेरी स्थिति तो मेरे हाथ में, क्योंकि मैं कर पाई. Yes. Even step back में तो मैंने अपने आप decide मैंने ही तो किया अपने आप. सिर्फ ये याद रखना है कि मुझे करना है, एंड भले थोड़े दिन अटेंशन से करना पड़ेगा, थोड़े दिन के बाद इट विल बिकम वेरी इजी टू डू. कि देन वी विल रियलाइज कि परिस्थिति नहीं क्रिएट कर रही है, ये सारा जो हम क्रियोस क्रिएट कर रहे थे, ये जो मैं अभी तक शोर मचा रही थी इस तरह से, ये मैं खुद ही बना रही थी. परिस्थिति तो वैसे की वैसे है. एंड धीरे धीरे वो रियलाइजेशन, जो ज्ञान समझ में आ गया है कि परिस्थिति नहीं स्थिति क्रिएट करती, लेकिन उसका एक्सपीरियंस, वो परिस्थिति में हमें एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा. विल यू ट्राई टुमारो? वेरी ट्रू. यस. लेट्स डू 2 मिनट्स मेडिटेशन. इस सृष्टि नाटक रंगमंच पर हम सब एक्टर्स अपना अपना रोल प्ले करते हैं. आज सारा दिन जैसे जैसे मैं अपना रोल प्ले करते जाऊं, तो मुझे सिर्फ एक स्मृति रखनी है, मैं एक्टर हूँ,
ये मेरा रोल है और मुझ एक्टर को इस रोल को अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है और मुझ एक्टर की विशेषता है आई एम अ पावरफुल बींग मैं शक्तिशाली हूँ और इस शक्ति के साथ मैं हर रोल प्ले करने वाली हूँ आज चाहे कोई भी परिस्थिति आए मेरे चारों तरफ कुछ भी हो जाए आज सारा दिन I am a powerful being. I am the master of the situation. जैसे ही मैं ये परिस्थिति में ये स्मृति रखती हूँ तो परिस्थिति छोटी होती जाती है Just one thought to take with me today the whole day. I am a powerful being. मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ. And I am master of every situation. परिस्थिति मेरी रचना है. अगर आप सुबह कुछ देर ये तो हमने बहुत But this is a conversation. This is a mental programming that I am doing. Now I will do this again tomorrow morning. And kal ki apne din ko fast forward karke thoda sa dekh lein. Kyunki normally pata hota hai aaj sara din mein kya kya scenes aane wale hain most of the time. And apne aap ko un sab scenes mein dekh lijiye already. Ki you're going to remain stable. So this is a scene, you know, this is a suggestion which I'm already telling myself. Ki this is your capacity. Tum ye kar sakte ho. Kyun? Because you're a powerful being. लेकिन अगर मैंने अपने आप को थोट दिया मैं तो कमज़ोर हूँ मैं तो कुछ नहीं कर सकती That will be the result. The thought is creating destiny, right? So just the thought. I am a powerful being. परिस्थिति is here. I am here. परिस्थिति मेरे ऊपर नहीं मैं अपनी स्थिति से परिस्थिति को परिवर्तन करती हूँ Start the day. उन thoughts के साथ और फिर जैसा हम हर बार करते हैं हर एक घंटे के बाद एक मिनट बीच में दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट थॉट्स फिर कई बार कहाँ कहाँ चली जाती और फिर पता ही नहीं चलता तो इसलिए बीच में रुक कर कल एक ही थॉट लेते हैं सिर्फ आई एम अ पावरफुल बींग मैं शक्तिशाली हूँ और हर एक घंटे के बाद उसे एक ही थॉट को ही लेना है लेट्स नॉट डू टू मच हार्ड वर्क एक थॉट आई एम अ पावरफुल बींग वो एक थॉट मुझे सारी सिचुएशन को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में दिखाता है बिल्कुल सो लेट्स ट्राई दैट आउट टुमारो एंड वी शुड ऑल ट्राई एक्चुअली सचिवानी थैंक यू सो मच आज जो हमने बात की और यहीं से पॉजिटिव थिंकिंग क्या पॉजिटिव लाइफ शुरू हो सकती है यू नो क्योंकि यहीं से थॉट जो है वो मेरी पॉजिटिव डेस्टिनी बनता जाएगा थैंक यू सो मच ओम शांति ओम शांति